हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है एलईडी लाइट्स H4 सॉकेट के, हाई एंड लो बीम के साथ आते ही है, और ऑटो रॉय कंपनीज के ये हेडलाइट्स है। सो बेसिकली ये मैंने अमेजोन से परचेस किया है, और इसे परचेस करने का एक ये रीज़न था कि ये फैनलेस एलईडी बल्ब्स है। सो चलिए अभी मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ। से कुछ इसकी पैकेजिंग है, ये इसके ऊपर मेरा नाम और एड्रेस है, और ये ऐसे कुछ इसकी पैकेजिंग है। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ऐसे कुछ दो बॉक्स दिख रहे हैं। बेसिकली दो पैर खरीदे हैं क्योंकि कार के लिए दो हेडलाइट लगेंगे, सो उसके लिए। सो यहाँ पे देखिए, नो साइट का इसके ऊपर ऐसा कुछ ब्रांडिंग है, ऑटो रॉयस का इसके ऊपर नाम है, वारंटी कार्ड, 1 साल की वारंटी है इसकी, और ये भी सेलोटेप से स्टिक किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ऐसा कुछ ये लिखा हुआ है, नेवरलैंड नेटवर्क टेक्नोलॉजीज को लिमिटेड, ये इसका मैन्युफैक्चर है, नो साइट टीम ऊपर लिखा हुआ है, और मेड इन चाइना ही है। अभी चलिए, ये जो बॉक्स है इसके ऊपर की जो प्लास्टिक की पन्नी है ये निकल चुकी है। सो यहाँ पे देखिए, अभी ये जो बल्ब है इसे मैं निकालता हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छे पैकेजिंग के साथ आया है, और ये देखिए, ये ऐसा कुछ इसका ये बल्ब है। यहाँ पे देखिए, ये हाई और लो बीम के लिए ये दिया गया है, और यहाँ पे देखिए नो साइट का यहाँ पे बैजिंग है, और ये H4 सॉकेट के साथ आता है, ऐसा कुछ ये जाएगा ये। और इन टर्म्स ऑफ वेट की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा वेट है ये, यानी कि हैवी ड्यूटी ही है, इससे पता चलता है। और अभी यहाँ पे इसके अंदर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखिए, तो इसके अंदर मुझे कोई फैन दिख नहीं रहा है, यानी कि इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि जो अभी नॉर्मल जो LEDs रहते हैं जिसके अंदर फैन रहता है उसके अंदर एक आवाज़ आती है, सो इसके अंदर कोई आवाज़ नहीं आएगी। इसके ऊपर ये इतना कुछ ये मटेरियल दे के रखा है, ये हीट सिंक के लिए दिया हुआ है, यानी कि ये जो हीट जनरेट करेगा LED ये इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो अभी चलिए बेसिकली दोस्तों, कि अभी जो मेरे कार के अंदर हेलोजन बल्ब है उसका जो आउटपुट आता है वो मैं पहले आपको दिखाता हूँ, और वो आउटपुट के बाद में ये LED हम इंस्टॉल करेंगे मेरे कार के अंदर, Volkswagen Vento के अंदर, और उसके अंदर इंस्टॉल करने के बाद में क्या लुक आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी जो दूसरा बल्ब है वो भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये ऐसा कुछ ये बल्ब है, ये देखिए, ये दो बल्ब है। अगर इसे आप परचेस करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। और जो डिस्क्रिप्शन में जो ब्राइटनेस है इसका वो 9000 लुमेंस का बताया गया है, और 6000 केल्विन का इसका लाइट आउटपुट बताया गया है, यानी कि जो टोन है इसका वाइट टोन वो 6000 केल्विन का है।
यहाँ पे अभी आप ये एक बार देख लीजिए, और फिर इसके बाद में हम अभी ये इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद में आपको बताते हैं। और गाइस अभी यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने बल्ब है ये मैंने कनेक्ट कर लिया है यहाँ पे देखिए, और जस्ट एक दिखाने के लिए मैं आपको अभी ये निकाल के दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी मैं अपर डिपर करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये डिपर, सॉरी ये अपर है आई बीम। सो यहाँ पे देखिए ये इस तरफ से भी ग्लो कर रहा है और उस तरफ से भी ग्लो कर रहा है। इसका सच मानिए दोस्तों, फर्स्ट इम्प्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। अभी देखते हैं लगाने के बाद में हेडलैम्प असेंबली में। सो ये ऐसा कुछ अभी है, एग्जिस्टिंग लाइट है ये लो बीम। सो अभी ये एग्जिस्टिंग हेलोजन बल्ब 110 वॉट्स, ये पार्किंग लाइट, ये है लो बीम और ये है हाई बीम, लो बीम हाई बीम, लो बीम पास, ये है पास, यानी कि लो बीम और हाई बीम दोनों का कॉम्बिनेशन। हाई बीम लो बीम, हाई बीम लो बीम। सो अभी गाइस यही सेम जगह पे मैं आऊँगा जब मैं एलईडी इंस्टॉल कर लूँगा अपने गाड़ी के अंदर, और यही जगह पे मैं आपको आउटपुट बताऊँगा। सो गाइस अभी यहाँ पे देखिए, ये जो राइट हैंड साइड का जो हेडलाइट है उसमें हेलोजन बल्ब ही है, और जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हेडलाइट है उसके अंदर मैंने एलईडी इंस्टॉल किया हुआ है। सो अभी ये जो डिफरेंस है वो मुझे आपको दिखाना है। सो उसकी वजह से ये जो मैंने एक बल्ब जो है वो वैसे ही रहने दिया। एक और एक रीज़न है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा, पहले आप ये आउटपुट देखिए, ये पार्किंग लाइट और ये मेन हेडलाइट। सो राइट हैंड साइड का जो बल्ब है वो हेलोजन है, और जो लेफ्ट हैंड साइड का जो बल्ब है वो एलईडी है। इसके बाद में ये है लो बीम और ये है हाई बीम, यहाँ पे देखिए। सो अभी यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक और एक डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखिए, अभी ये जो हेलोजन बल्ब है उसे मैंने टोटली ढक दिया है। सो यहाँ पे ये आपको टोटल एलईडी का ही प्रोजेक्शन मिल रहा है, और अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एलईडी का
जो पार्ट है वो पूरा मैंने ढक दिया है, और अभी यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको हेलोजन का ही प्रोजेक्शन मिल रहा है, यानी कि आपको एक अंदाजन आ जाएगा कि एक्चुअल में ये जो लाइट है वो कितना दे रहा है। सो यहाँ पे देखिए फिर से, अभी अगर मेरी बात करें तो जहाँ तक मेरा सवाल है तो मुझे एलईडी का जो आउटपुट है वो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि एलईडी का जो थ्रो है वो और भी ज़्यादा दूर जा रहा है, और जो हेलोजन का जो थ्रो है वो यहाँ पे पास में ही आ रहा है। यहाँ पे देखिए, अभी शायद से इसमें ये भी हो सकता है कि जो अलाइनमेंट है जो रिफ्लेक्टर की अंदर से, वो भी शायद से नीचे हो सकती है, वो भी एक रीज़न होगा। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखिए एलईडी का जो थ्रो है वो ज़्यादा है। और एक रीज़न है क्यों मैंने ये एक ही बल्ब रखा है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, सो ये जो एक बल्ब है दूसरा, यहाँ पे देखिए ये तो हेलोजन ही है, ये जो बल्ब है दूसरा, ये देखिए ये जो एक बल्ब है इसकी जो एक साइड है यानी कि ये वाली, ये फ्लिकर हो रही है, यानी कि ये प्रॉपरली ग्लो नहीं हो रही है। सिर्फ एक ही पार्ट का जो पोर्शन है वो ठीक से ग्लो हो रहा है, लेकिन अगर जैसे ही ये दो डांडियों में से एक डांडी को हम प्रेशर देते हैं तब काम कर रहा है। सो इसे मैंने रिप्लेसमेंट के लिए अभी प्लेस कर दिया है अमेज़ॉन के ऊपर। सो अभी जैसे ही ये मुझे रिप्लेस करके मिल जाता है, फिर बाद में आपको एक फाइनल आउटपुट जो दोनों बल्ब का आता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एक बार फिर से अंदर से देख लीजिए, ये देखिए ये है लो बीम, सॉरी ये थी हाई बीम, ये है अभी लो बीम, ये है हाई बीम, ये है लो बीम, ये देखिए। एलईडी का आउटपुट मुझे ज़्यादा लग रहा है। सो अभी देखते हैं दोनों इसके अंदर अगर हम एलईडी डालते हैं तो क्या आउटपुट आता है। और गाइस अभी यहाँ पे देखिए जो राइट हैंड साइड का जो बल्ब है अभी जो हमें वीडियो में दिख रहा है वो एलईडी है, और जो लेफ्ट हैंड साइड का जो बल्ब है वो हेलोजन है। सो वीडियो के अंदर जो ग्लेयर है वो क्लियर कट आपको दिख रही होगी, जो एलईडी है वो ज़्यादा है और जो हेलोजन है वो कम है। यहाँ पे देखिए ये देखिए जो ब्राइटनेस है एलईडी साइड का वो ज़्यादा है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए अभी तो मैं पास में आ चुका हूँ, यहाँ पे देखिए, और मुझे क्लियर कट जो मेरे आँखों से जो मुझे दिख रहा है कि एलईडी का जो थ्रो है वो ज़्यादा है। उसके बाद में एक चीज़ तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं इसको हाथ लगा के चेक कर रहा हूँ तो ये बहुत ही गर्म हो चुका है। इसके बाद में जो एलईडी है ये इसके ऑपोजिट साइड है, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है एलईडी का, अगर आप एलईडी इंस्टॉल करते हो हेडलाइट में तो ये कभी गर्म होता नहीं है, और ये कभी गर्म होता नहीं तो उसकी वजह से ये कभी येलो गिरता नहीं है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पे देखिए इसका थ्रो, और यहाँ पे देखिए एक इसका थ्रो, और ये देखिए सामने की तरफ। ये देखिए ये है लो बीम, ये है हाई बीम। सो अभी गाइस ये देखिए नाइट ड्राइविंग एक्सपीरियंस। सो अभी यहाँ पे टोटल मिक्स सिटी में चल रहा हूँ, और यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट है वो चली गई है। सो ये है हाई बीम, ये है लो बीम, ये है हाई बीम, और ये है लो बीम, और ये है पास, ये देखिए। अभी जो ये मैं हेडलाइट है इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, और
और यहाँ पे देखिए अब ये ऊपर हो चुका है हेडलाइट, और ये है लो बीम। अगेन ये है पास, ये है लो बीम। नो डाउट कि इसका जो ये टाइमिंग है ये बहुत ही फास्ट है। ये देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये स्ट्रीट लाइट में आ चुका हूं मैं। ये देखिए ये हाई बीम, अगेन अंधेरे में आ चुका हूं। यहां पे देखिए ये लो बीम पे ही है अभी, अगेन ये है हाई बीम। ये देखिए ये है लो बीम, सो गाइस अब ये जो लाइट है वो इंस्टॉल हो चुकी है कार के अंदर, और मैं अभी वही सेम प्लेस पे आया हूँ। सो अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ इसका आउटपुट। ये है पार्किंग लाइट और ये है इसका लो बीम, ये है हाई बीम, ये है लो बीम, हाई बीम, लो बीम, ये है पास, लो बीम, हाई बीम, और ये है पास। नो डाउट इसका जो पास जो है ये बहुत ही क्विक है एज़ कम्पेयर टू हेलोजन। सो उसकी वजह से अब ये जो बटन है और ये जो फंक्शन है इसे यूज़ करने में भी मज़ा आ रहा है। मैं अभी आपको एक बार इसका जो आउटपुट है वो बाहर से दिखा देता हूँ। और अभी कोई बारिश हो भी नहीं रही है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अभी मैं फिर से आपको एक बार, ये है हाई बीम, ये है लो बीम, और मैं अभी आपको एक बार इसका ये जो थ्रो है ये इसको मैं सामने से कैसी दिख रही है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो एक्चुअली ब्राइटनेस है दोस्तों वो इतना ज़्यादा है कि वो रिफ्लेक्शन की वजह से आपको पता नहीं चल रहा होगा। यहाँ पे देखें, ये देखिए अभी। सो गाइस अभी ये ऐसा कुछ इसका आउटपुट है, अभी आपको पता चल गया होगा। सो अभी सबसे पहली बात तो इसके बेनिफिट क्या है एज़ कम्पेयर टू हेलोजन। तो सबसे पहले देखिए तो ये हीट नहीं होते, हीट नहीं होते उसकी वजह से जो बाहर की जो ग्लास है वो येलो होती नहीं है, और वो येलो होती नहीं है तो उसकी वजह से एक बेनिफिट ये है कि हमेशा आपको आउटपुट जो है वो क्लियर ही देगी। उसके बाद में इसका जो टाइमिंग है यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम पास यूज करते हैं वो टाइमिंग बहुत ही क्विक है एज कम्पेयर टू हेलोजन। उसके बाद में थर्ड पॉइंट कि ये जो बैटरी कंजम्पशन है ये बहुत ही कम करता है, तो उसकी वजह से आपकी जो बैटरी बैकअप है वो भी अच्छी खासी हो जाती है। और उसके बाद में इसका जो लाइट थ्रो है वो भी आप अभी ये वीडियो में देख सकते हो। सो अगर मुझे पर्सनली आप पूछोगे तो क्या ये रिकमेंडेड है, तो हाँ दोस्तों ये 101% रिकमेंडेड है। आप इसे यूज़ कर सकते हो, आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हो। और एक चीज़ मुझे और बतानी है कि अगर आप बारिश में यूज़ करते हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बारिश गिरने की वजह से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन इश्यू हो जाता है। सो जो बारिश है वो रस्से के ऊपर गिरती तो उसकी वजह से जो पानी है वो एज एन रिफ्लेक्टर काम करता है, और उसकी वजह से जो व्हाइट लाइट है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता है एज कम्पेयर टू हेलोजन येल्लो बल्ब।
और अगर इसे आपको परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पे आप क्लिक कर सकते हो और इसे परचेस कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लगता है यूजफुल तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ लीजिए। मैं ज्यादा से ज्यादा आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, और ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो बाय फ्रेंड्स।